इमरान खान साहब के घर के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जमान पार्क पहुँच चुकी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनान, ये मेरे पीछे देखिए, डंडे उठाए जमान पार्क पहुँच चुके हैं इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए, उन्हें सिक्योर करने के लिए। और पुलिस की भारी नफरी इस वक्त अतराफ में घूम रही है और अभी से कुछ देर बाद ही यहाँ पर रेड पड़ने वाला है। और तहरीक इंसाफ के ये कारकुनान मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनसे बात करते हैं उनका जज्बा कैसा है। ये देखिए, ये खान साहब के घर का ये गेट है, बिल्कुल गेट के सामने हम मौजूद हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? मैं हम जान के देने के लिए आए हैं इमरान खान के लिए। अच्छा, जान देने के लिए आए हैं जी। ये देखिए भाई साहब, डंडे पकड़े हैं, खैरियत है भाई जान? ये जेड़े है गुंडा बदमाश जेड़ा किसे दे हत्था दे वेच जेड़ा है राणा सनाउला बांदर, इन्ने मुल्क दा अमन खराब कीता होया है। ऐसी कोई शौक ना नहीं डंडे मारे, ऐसी कभी किसे नु ना डंडा मारया ना कभी कीता है। ए सिर्फ अपनी फादर में रख्या है, ए डंडे दी जेड़ा ना चांदा है, डंडे दी जेड़ा ना कहंदा है कि लड़ाई होवे झगड़ा होवे लाशा गिरण। ए चोर लुटेरे अवाम दा मुकाबला इलेक्शन दे विच नहीं कर सकदे। ए चोर लुटेरे कहंदे कि लाशा गिरा के ते असी जेड़ा ना उत्ते आईए। इंशाल्लाह इन्हां दे खाब दिल दे विच रह जाणे ने। इंशाल्लाह इमरान खान दी फतह होनी, पाकिस्तान दी फतह होनी। ए अमरीका दे लुटेरे, ए अमरीका दे सामने सामने पुलिस आ गई है, सामने की करोगे भाई जान? जिन्नी मर्जी पुलिस आ जावे असी अपनी जान देण नूं तैयार है। असी खान साहब नूं गिरफ्तार नहीं करना है, जो मर्जी करना है कर लवे, सानू जेलां दा डर कोई नहीं। सानू बिल्कुल किसी अगे भी गिरफ्तारी दी कर हुण भी देवांगे। असी ये चोर लुटेरे ये किहड़ा चमचा नूं लिखदा गोला गुलाम, असी इहदे तों नहीं डरदे। ये राणा नहीं है, ये कोई कोई हड्डिया चुगण वाला है। इहदे करतूत ही नहीं चंगे, इहने माडल टाउन 14 कतल कीते, इहने जिहड़ा ना और उहदा ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 18 ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਤਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਾਨਬ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੇ, जो कि जमान पार्क इमरान खान साहब के घर के सामने डटे हुए हैं। दूसरी जानिब मैं आपको रोड का व्यू दिखाता हूं, जहां पर पुलिस इस वक्त मौजूद है, वो सीन्स मैं आपको दिखाता हूं, मेरे साथ रहिएगा। ये देखिए जी, ये रोड है, ये रात का समय है, पीछे इस वक्त प्रिजन वैन्स खड़ी हैं। ये सामने माल रोड है, माल रोड पर प्रिजन वैन्स खड़ी हैं इमरान साहब खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। और यहाँ पर जमान पार्क में हज़ारों लोग हैं जो पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं, पुलिस आए इमरान खान साहब को गिरफ्तार करे। इनका कहना है कि हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर पुलिस जाएगी, फिर ही हमारे लीडर को गिरफ्तार कर पाएगी। लोग इंतहाई मुश्तैल हैं और इंतहाई अग्रेसिव हैं, गुस्से में हैं, इश्तियाल में हैं। और इस वक्त जमान पार्क में इमरान खान साहब के घर के बाहर डटे हुए हैं, ये मीडिया की लाइव वैन्स भी आप देख रहे हैं, लाइव कवरेज कर रही हैं। ये लोग इस वक्त देख रहे हैं ये अवाम का जम्मे गफीर, ये हुजूम, ये जमान पार्क के बाहर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये अपने लीडर को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो इमरान खान को सिक्योर करने के लिए जमान पार्क पहुँचे हैं। और जमान पार्क के अतराफ में इन लोगों ने एक अहनी दीवार खड़ी कर दी है। दिन में भी इस्लामाबाद पुलिस के कुछ लोग आए थे, कोई वारंट वगैरह कोई नोटिस वगैरह लेकर आए थे और उनको इन लोगों ने घेर लिया था। और यहाँ की जो सिक्योरिटी है उसने उन इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं उनको यहाँ से उनकी जान छुड़ाई थी और निकलने में मदद की थी। अब फिर ये लोग इंतज़ार में खड़े हैं, पुलिस आए और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने आए और ये कह रहे हैं कि हम हर हद तक जाएंगे, मज़ाहमत भी करेंगे, डंडे भी चलाएंगे, लेकिन अपने लीडर को गिरफ्तार नहीं होने देंगे।